मध्य प्रदेश के उपचुनाव में शब्दों की मर्यादा टूटती जा रही है। राजनेता अपने प्रतिद्वंदियों को नीचा दिखाने के लिए निम्न स्तरीय शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। अब कांग्रेस से बीजेपी में आए बिसाहूलाल सिंह ने एक महिला के लिए रखेल शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना हो रही है। कमलनाथ के मंत्री इमरती देवी को आइटम कहने के बाद अब मंत्री बिसाहूलाल सिंह का एक महिला को रखेल कहना सुर्खियां बना हुआ है। इस मसले पर बिसाहूलाल सिंह की कड़ी निंदा की जा रही है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं और ऐसे में नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक विवादित बयान देकर फंस गए हैं, तो वहीं अब अनूपपुर से भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाम की पत्नी को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। मंत्री बिसाहूलाल ने कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी की जगह रखेल शब्द का इस्तेमाल किया है। इस मसले पर फिलहाल बीजेपी को सांप सूख गया है। विधानसभा के निर्वाचन का फॉर्म भरा जाता है तो पूरे संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, सबका ब्यौरा दिया जाता है, परंतु विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, रखेल औरत का ब्यौरा दिया है, तो उनसे पता लगाओ कि तुम्हार पुरान वाले औरत कहाँ थे, वो बताओ ना कि मेरा दूसरी औरत है कहके। तो दो तो औरत कांग्रेस की जिला अध्यक्ष ने आप पर भी कल शिकायत की है कि आपने अपने हथियारों की जानकारी नहीं दी। ये मेरी बात हुई, कलेक्टर से भी बात हुई और SDM से भी बात हुई। निर्वाचन ने कहा कि आपके पास आपका मेरे को हर चीज़ की जानकारी जयप्रकाश को नहीं देना, मुझे जिला निर्वाचन अधिकारी को देना है कि मेरे पास बंदूक है कि ट्रैक्टर है कि कहाँ है कि रिवॉल्वर है, ये काम जिला निर्वाचन का है और जिला निर्वाचन अधिकारी अगर मेरे से पूछेगा तो उसकी जवाब दिया जाएगा। उनके पास जानकारी अभी कह रहा था कि बंदूक का आपने ब्यौरा दिया हुआ है, हर साल देता हूँ। अक्सर आप ये कहते हैं कि जयप्रकाश अग्रवाल आपके आदमी है, आपके लिए काम कर रहे हैं, इस तरह की शिकायत क्यों कर रहे हैं? जयप्रकाश अग्रवाल मेरे चलते 13 साल तक अध्यक्ष बने और 3 तारीख के बाद जो दुर्दशा मैं जयप्रकाश का करूंगा कोई नहीं करेगा, वो रास्ता में लाऊंगा उसको, आप इसमें बोल दीजिए रास्ता में लाऊंगा, अपना औकात उसको समझाऊंगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।